Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more update. चैनल आज मैं आप लोगों को स्किन वाइटनिंग एंड टैनिंग के बारे में कुछ होम रेमेडीज लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैनिंग क्या होती है। तो टैनिंग क्या होता है, जो हमारी स्किन में मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है वो सन के डायरेक्ट इंट्रैक्शन में आके वो बढ़ जाता है। तो जहाँ जहाँ हमें टैनिंग होती है, जब जब हमें टैनिंग होती है तो वो बढ़ने के कारण वहाँ वहाँ की स्किन हमारी डार्क हो जाती है। तो ये चीज़ें होती है, ये इसका मेन कारण है जिससे हमें टैनिंग होती है। हम प्रॉपर केयर नहीं करते, बाहर जब भी जाते हैं कवर करके नहीं जाते, सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो ये, और स्किन हमारी रूखी हो जाती है। तो ये मेनली कारण है जिससे टैनिंग होती है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी होम रेमेडीज़ के बारे में जिससे आप टैनिंग को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टोमेटो के बारे में। टोमेटो एक नेचुरल टैन रिमूवर माना जाता है। तो टोमेटो को आप लीजिए, उसको कट करिए और जहाँ जहाँ आपको टैन हो रहा है आप वहाँ यूज़ करके उसे टैनिंग को कम कर सकते हैं। वहाँ पर आपको स्क्रबिंग करनी है। एक आप दो पीस किए आपने टोमेटो के, जहाँ जहाँ आपको टैनिंग हो रही है वहाँ स्क्रबिंग करिए तो उससे भी आपका टैन रिमूव हो जाएगा। फिर सेकेंड चीज़ होती है हमारी लेमन हनी और मिल्क। लेमन हनी और मिल्क को मिलाकर एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद में उसे आपको जहां भी टैनिंग हो रही है वहां पे अप्लाई करिए, तो उससे भी आपकी स्किन में टैन रिमूव होगा। ठीक है, आप जो भी चीजें बना रहे हैं उसे 20 मिनट्स के लिए रहने दीजिए, फिर उसे वॉश कर लीजिए। फिर बात करेंगे एक अलग पैक के बारे में जिसमें आप ले सकते हैं बेसन, मलाई और टर्मरिक और लेमन। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप जब मलाई ले रहे हैं उसी की जगह आप कच्चा दूध रॉ मिल्क ले ले तो वो भी आपकी स्किन, ये ऑयली स्किन के लिए पैक हो जाएगा। ठीक है, ड्राई स्किन वाले हैं तो वो मलाई का यूज़ करें। तो उससे आप एक फाइन पेस्ट बना लीजिए, बेसन ले ले, मलाई ले ले और आप लेमन और आप हनी, इनको मिलाकर एक फाइन पेस्ट बना ले और जहाँ जहाँ आपको टैनिंग हो रही है वहाँ आप अप्लाई कर दीजिए और 20 मिनट्स के लिए उसे छोड़ दीजिए, फिर बाद में उसे वॉश कर लीजिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा पैक है जो कि मैंने भी कई बार ट्राई किया है, तो इसे आप यूज़ कीजिए, ये भी टैनिंग को कम करता है। अब बात करते हैं योगर्ट और हनी, इसको मिलाकर एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद आप जहाँ जहाँ आपको टैनिंग हो रही है वहाँ पर उसको लगा दीजिए और उसी के बाद में उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, और जब आप उसे वॉश करेंगे तब थोड़ी आप मसाज कर लीजिए, उससे भी आपकी स्किन में टैन कम होगा। फिर हम बात करते हैं लेमन, लेमन और हनी, लेमन के जूस में हनी मिलाकर भी आप टैन अप्लाई कीजिए और फिर उसे थोड़ी देर बाद उसे रहने दीजिए और थोड़ी देर बाद उसे वॉश कर लीजिए, तो इससे भी टैनिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। पपाया पैक के बारे में, पपाया और हनी को मिक्स कर लीजिए प्रॉपर, उसका एक फाइन पेस्ट बनाने के बाद आपको जहाँ जहाँ टैनिंग हो रही है आप वहाँ वहाँ यूज़ करिए, तो उससे भी टैनिंग जल्दी रिमूव होती है। फिर बात करते हैं हम किस कर, अब बात करते हैं हम पोटैटो पैक के बारे में। पोटैटो क्या होता है, ये भी एक नेचुरल टैन रिमूवर होता है, नेचुरल टैन रिमूवर होता है। प्लस इसमें आप इसको क्या कर सकते हैं, आप जो पोटैटो होता है उसे वॉश करके उसके टुकड़े करके, मतलब उसे कट करके आप जहाँ जहाँ आपको टैनिंग हो रही है आप वहाँ वहाँ उसको यूज़ करिए, तो आपको वहाँ पर भी टैनिंग धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, तो और एक इसका पैक भी है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जो आलू रहता है आलू को आप अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद में वॉश कर लीजिए, उसके बाद में उसे किस लीजिए। ठीक है, उसका पेस्ट जैसा बन जाएगा, उसी के बाद में उसमें एक ब्राउन शुगर, अगर आपके यहाँ ब्राउन शुगर नहीं है तो नॉर्मल शुगर यूज़ कर सकते हैं स्क्रबिंग के लिए, प्लस उसमें आप सरसों का ऑयल या कोकोनट ऑयल आप डाल सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, प्लस उसमें लेमन और हनी को मिलाकर एक फाइन पेस्ट बना लीजिए और फिर उसी के बाद में उसको जहाँ जहाँ आपको टैनिंग हो रही है वहाँ वहाँ आप उसको यूज़ कीजिए और थोड़ी 20 मिनट उसे रहने दीजिए। ये चीज़ आपको एटलीस्ट 7 डेज करनी है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी और उसके बाद में उसे वॉश कर लीजिए। एक स्किन वाइटनिंग का क्रीम भी है जो आप घर पे बना सकते हैं। एलोवेरा जेल ले ले, उसमें आप कोकोनट ऑयल और थोड़ा सा लेमन डालकर आप उसे एक फाइन पेस्ट जैसा बना ले, क्रीम जैसा बना ले, उसके बाद में जो मैंने आपको आलू का जो पैक बताया है उसके बाद आप उसे लगा सकते हैं, तो आपकी स्किन थोड़ी ब्राइटनिंग हो जाएगी, टैनिंग भी कम हो जाएगी। तो ये थी कुछ होम रेमेडीज फॉर स्किन वाइटनिंग और टैनिंग को कम करने के लिए जो हमने बनाई है। ठीक है, तो हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। कुछ टिप्स को ध्यान रखते हुए आप अपनी स्किन को और भी हेल्दी बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉइस्चराइज योर स्किन, आपको मॉइस्चराइजर लगाना नहीं भूलना है, मॉइस्चराइज करते रहिए अपनी स्किन को और वॉश योर फेस एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ डे, आपको कम से कम 3 बार एटलीस्ट आपके फेस को वॉश करना है। ठीक है, आपको पानी बहुत सारा पीना है।
और आपको स्क्रब करना है वीक में एक बार, तो आपको स्क्रबिंग करनी है, स्क्रबिंग करना ना छोड़े। और ये कुछ होम रेमेडीज थी टैनिंग के लिए, जिसे आप अप्लाई करके आप अपनी टैनिंग को कम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।